हेलो स्टूडेंट्स वी आर हेयर नाउ विद नीट 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पेपर हम आ रहे थे अपने एटी फाइव नंबर क्वेश्चन में सो एटी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एटी फाइव एटी फिफ्थ क्वेश्चन दे आर द टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट दी हैं स्टेटमेंट वन इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन द थर्मल पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर्टटिकुलट मैटर्स को रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज़ कोरेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशन तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव करता है ये हमारा गलत है ये हमारे जो पर्टिकुलर मैटर है उनको 99% रिमूव करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेशन तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है जिसमें स्टेटमेंट वन इज़ कोरैक्ट स्टेटमेंट टू इज़ इनकोरेक्ट सो आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्या कह रहा है द यूनिक मेमेलियन क्रेक्टर्स आर हमें मैमल के करेक्टर्स देखने हैं कि मैमल में कौन से क्रेक्टर्स होते हैं अब यहाँ पे हमारे पास है पिन्ना पिन्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर बाहर का जो कान होता है एक्सटर्नल ईयर दैट इज कॉल्ड पिन्ना तो ये मैमल्स में होता है स्कल एंड मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट बट नोटो मोनोकोन्डाइलिक स्टल्स कल सो ये स्टेटमेंट हमारी इनकोरेक्ट हो गई नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट so, भी हमारी इनकोरेक्ट हो गई हेयर पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंड दिस थ्री आर प्रेजेंट द मैमरी मेमल्स लाइक हेयर एक्सटर्नल जो बॉडी पे जो हमारे हेयर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट हैं एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट है और मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस वो भी प्रेजेंट हैं तो ये करेक्टर हमारा ठीक हुआ और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हेयर्स प्रेजेंट है पीना प्रेजेंट है बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मत का मतलब होता है बीच में लार्वर स्टेज आना तो हमारे में कोई लार्वर स्टेज नहीं होती सो देयर इज़ नॉट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो यहाँ पे ये इसकी वजह से हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया तो आंसर हमारा हो गया सी सी इज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोर्डेट्स हमें कोर्डेट्स के जो स्टेटमेंट करेक्टर्स है वो देखने हैं तो यहाँ पे कोर्डेट्स में क्या होता है मेन uh, तो है जो नोटो प्रेजेंट होती है प्रेजेंस ऑफ नोटो एंड अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं कोर्डेट्स के लिए प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सोलिड डबल नर्व कोड देखो मिड डोर्सल बोल रहा है ये मिड डोर्सल नहीं है हमारे में जो नर्व कोड है वो डोरसल है और सोलिड नहीं है होलो है तो यहाँ पे हमारे पास जो ये मिड डोरसल और सोलिड कहा है यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया मिड नहीं है और सोलिड भी नहीं है होलो नर्व कोड है सो तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है क्योंकि हमारे बॉडी में जो कोर्डेट्स uh, की बॉडी में जो ब्लड होता है वो वीन्स में वेसल्स में फ्लो करता है तो इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बी जो है ऑप्शन वो ठीक है नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स जो फेरिंजियल गिल्स हैं वो पेयर्ड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट डोर्सल हार्ट ये सही नहीं है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट का मतलब है हमारे में जो हार्ट है वो डोर्सल नहीं होता वेंट्रल साइड पे होता है आपको पता है फ्रंट साइड पे होता है दैट इज अ वेंट्रल साइड तो कोर्डेट्स में जो हार्ट होगा वो वेंट्रल प्रेजेंट होगा नॉट द डोर्सल वन सो दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट ट्रिप्लो ब्लास्टिक डेवलपमेंट है ये सही है बट शूड सिलोमेट दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट जो कोर्डेट्स होते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं उनमें सिलोम होती है कैविटी प्रेजेंट होती है सो ई इज ऑल्सो रोंग तो जहां पर बी और सी बोथ आर कुरेक्ट तो so, हमारा आंसर हुआ सी

तो इसमें हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एनल कॉकरोच तो को सेक्सुअल डायमोरफिजम शो करने के लिए यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग है यहाँ पे डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एन एनल, एनल स्टाइल ये भी रॉन्ग हो गया प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स ये मेन करेक्टर है हमारा जो हमको सेक्सुअल डायमोरफिजम शो करता है जो मेल में होता है जो एनल स्टाइल्स हैं वो पेयर्ड होंगी शॉर्ट होंगी और अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी और जो सिर्फ मेल में होती है फ़ीमेल में नहीं होती

तो इसमें सबसे इजी आपको पता है कि ब्लड जो है हमारा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है सो इट इज़ अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो यहाँ पे सी के साथ हमारा फोर जा रहा है ठीक है सी के साथ फोर में हमारे पास दो ही ऑप्शन है बी एंड डी तो अब हम देखते हैं उसमें से ए जो है वो मास सेल मास सेल का मतलब क्या होता है मास सेल इज़ द एरियोलर टिश्यू मास सेल जो होता है वो एरियोलर टिश्यू होता है जो हमारे अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको एक फ्रेम देता है स्पोर्ट देता है ठीक है तो ए के साथ टू जाएगा बी इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंक्यूल इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल कैसा होता है हमारा वो होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का तो बी के साथ वन जा रहा है तो यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल के अंदर जो है सिलिया प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में मूव करवा सके तो इट इज सिलिएटेड एपिथेलियम ट्रिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रोन जो है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम है Uh, जो हमारा नेफ्रोन का जो ट्यूब्यूल्स होती है नेफ्रोन की उसमें जो सेल्स होते हैं एपि, एपिथीलियम जो सेल्स होते हैं दे आर क्यूबॉइडल बिकॉज दे आर सिक्रेटरी नेचर सो तो यहाँ पे हमारा आंसर डी जो है वो करेक्ट हो गया जहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन होती है वो किसके थ्रू होती है तो यहाँ पे कॉक्रोच में एक्सक्रीशन के लिए यूरिकोस ग्लैंड भी होते हैं नेफ्रोसाइड्स भी होते हैं और फैट बॉडी भी होती है सो दीज थ्री आर प्रेजेंट इन द कॉक्रोच कॉक्रोच जो है वो यूरिकोटेलिक एनिमल है यूरिकोटेलिक यूरिको मीन यूरिक एसिड सिक्रीट करता है ये सो इट इज अ यूरिको टैलिक ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है बी सी एंड डी जो है हमारा कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में तो हमारा आंसर नाइन्टी का हुआ आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम नाइनटी वन क्वेश्चन नाइन्टी वन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है स्टेटमेंट डी है दो देखना है हमें कौन सी क्रेक्ट है और कौन सी इनकोरेक्ट और अदर ऑप्शन दे सो स्टेटमेंट वन कह रही है ड्यूरिंग जी ज़ीरो जी नोट जो फेज़ है ऑफ सेल साइकिल एंड द सेल द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव देखिए यहाँ पे वर्ड है मेटाबोलिकली जी जीरो जो फेज है जब सेल को डिवीजन नहीं करनी होती तो वो जी वन फेज में जाने की बजाय वो जी नोट फेज में चला जाता है इट इज़ अ रेस्टिंग फेज टाइप बट इट इज नॉट मेटाबोलिकली इनएक्टिव इट इज मेटाबोलिकली एक्टिव फेज ये मेटाबोलिकली एक्टिव फेज होता है बस क्या होता है कि इसमें बट ये जा, प्रोलिफ्रेशन के लिए नहीं जाता बट नो लॉन्गर प्रोलीफ्रेट वो डिपेंड करता है सेल की कंडीशन पे कि वो आगे डिवाइड करना चाहता है कि नहीं ठीक है तो वो जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट हो गई स्टेटमेंट टू द सेंट्रोजोम अंडर गो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज देखो एस फेज जो है सिंथेटिक फेज है उस टाइम में हमारे सेंट्रोजोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं डबल कॉपी बन जाती है तो ये स्टेटमेंट क्रेक्ट हुई तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज इन एंड टू इज कुरेक्ट जो कि हमारा ऑप्शन ए है स्टेटमेंट वन इज इनकोरेक्ट एंड द स्टेटमेंट टू इज क्रेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू क्या कह रहा है स्टेट द कुरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से हमें छाड़नी कौन सी कुरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं तो यहां पे फर्स्ट है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन नहीं लेप्टोटीन में नहीं होती टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो जाइगोटीन स्टेज में होती है तो जाइगोटीन स्टेज में हमारे टेट्राड फॉर्मेशन होती है टेट्राड बनते हैं क्रोमोजोम्स के तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकोरेक्ट हो गई ए अब है बी ड्यूरिंग एनाफेज़ द सेंट्रोमियर स्प्लीट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटेड सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज तो यहाँ पर ये ठीक कह रहा है कि एनाफेज़ क्या होता है जिसमें दो अलग अलग पोल्स पर चले जाएँगे हमारे क्रोमोजोम्स तो क्रोमेट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और सेंट्रोमियर स्प्लीट कर जाएगा वही जो है दोनों तरफ से पोल की तरफ हमारे क्रोमेट्स को खींचता है तो स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है नेक्स्ट इज़ द सी स्टेटमेंट टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन टर्मिनलाइजेशन टर्मिनाइज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजर जो है वो पैकेटिन का करेक्टर नहीं है वो होती है प्रोफेज वन के एंड में जो हमारा प्रोफेज वन है उसके एंड में होगी और उसका एंड फेज कौन सा होता है उसका एंड फेज होता है डाइकाइनेसिस डाइकाइनेसिस तो ये एनएस फेज में होगी हमारी टर्मिनाइजेशन नोट द पैकेटिन तो सी स्टेटमेंट इज रोंग अब है न्यूक्लियोलस गोल्गी कंप्लेक्स एंड ई आर आर री फॉर्म ड्यूरिंग दिलोफेज टी, टिलोफेज में टिलोफेज में हमारे ये सारे जो ऑर्गेनलीज हैं वो सब बन जाते हैं ताकि सेल कंप्लीट हो जाए दो अलग अलग पोल्स पे जो हमारे न्यूक्लियोलस बने थे न्यूक्लियस डेवलप हो गए थे उसमें न्यूक्लियोलस डेवलप हो जाएगा और गोलगी कॉम्प्लेक्स और ई आर बी रिफॉर्म हो जाएगा सो स्टेटमेंट ई इज़ करेक्ट नाउ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है जैसे हमारे जो ट्रेक्टार्ड बने हैं जो उसके साइड में जो उसका होमोलोगस क्रोमोजोम है उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो दोनों के अलग अलग हैं ठीक है उनमें अगर क्रॉस ओवर होता है क्रॉस ओवर मतलब उनमें अगर क्रॉस होगा तो वो होता है क्रॉसिंग ओवर तो ये नॉन सिस्टर में होता है ना कि सिस्टर में तो यहाँ पे हमारा ई e स्टेटमेंट भी इनकोरेक्ट हो गया तो इनको देख के बी और डी स्टेटमेंट जो हमारे है हमारे ठीक हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो आंसर हुआ वो है हमारा सी बी एंड डी आर करेक्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कोरेक्ट अब हम इनमें से देखना है कौन सी स्टेटमेंट कुरेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी कि बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट बेसोफिल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं नहीं बेसोफिल्स जो होते हैं वो सिर्फ जीरो पॉइंट फाइव से वन परसेंट तक होते हैं और जबकि सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हमारे सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट होते हैं तो ये स्टेटमेंट इनको हो गई नेक्स्ट है बेसोफिल हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड बेसोफिल जो है ये हमारे केमिकल्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन करते हैं ये रेक्ट है स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो ये भी ठीक है कि जब इन्फ्लामेशन होते हैं तो वहां पे बेसोफिल्स काम करते हैं हमारे उसके बाद है डी स्टेटमेंट बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस नो बेसोफिल्स डोंट हैव किडनी शेप न्यूक्लियस दे हैव एस शेप्ड न्यूक्लियस सो स्टेटमेंट डी इज इनकोरेक्ट नेक्स्ट है आर नो. No. जो हैं या न्यूट्रोफिल्स जो हैं या इोसिनोफिल्स जो हैं दे ऑल आर ग्रेन्युलोसाइट्स नोट द अग्रेनुलोसाइट्स तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्रेक्ट हुई बी एंड सी सो आंसर इज डी ना यू we will like subscribe and share the channel or also comment whatever you want which topic you want next to explain and we will further continue with the next questions in the next video thank you